सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। नाबालिग किशोरी की हत्या का खुलासा। हेयर बैंड के विवाद में पड़ोसी किशोर ने उतारा था मौत के घाट। हमीरपुर जनपद के चिकासी थाना क्षेत्र में 4 दिन पूर्व कक्षा 6 की छात्रा के दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने छात्रा के पड़ोसी नाबालिग किशोर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच हेयर बैंड को लेकर विवाद था। किशोर ने रिंच से गला दबाकर हत्या कर दी थी। छात्रा के अर्धनग्न शव देख दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम में दुष्कर्म न होने की बात सामने आई। पशु बाड़े में मिला था किशोरी का अर्धनग्न शव। चिकासी थाने के गांव में 22 मार्च की शाम को 12 वर्षीय छात्रा का शव उसके पशु बाड़े में मिला था। जिस समय घटना हुई छात्रा के परिजन खेत गए थे। देर शाम जब उसकी माँ घर पहुंची तो पुत्री घर पर नहीं मिली। यह सोचकर कहीं पड़ोस में खेलने गई होगी, वह खाना बनाने व्यस्त हो गई। जब चूल्हे के लिए उपले लेने पशुबाड़े पहुंची तो वहां खून से लथपथ बेटी का शव देखकर चीख मारकर गिर गई। जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। शव की स्थिति देख दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई। मामला की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने मौके पर पहुंचे और तत्काल डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर 3 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया था। एसपी ने घटना के अनावरण हेतु 5 टीमें गठित कर दी। मामूली विवाद बना किशोरी की मौत का कारण। जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने घटना का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि उक्त मामले में 100 व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस ने मृतका के पड़ोसी करण सिंह के नाबालिग पुत्र पर शक हुआ। शक का कारण उसकी नाक के पास चोट और घुटने के पास घर्षण के निशान थे। गहनता से पूछताछ में उक्त 14 वर्षीय किशोर ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी किशोर ने बताया कि 22 मार्च के करीब 4 से 5 बजे के बीच मृतका द्वारा हेयर बैंड मांगा गया। हेयर बैंड न देने पर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिस के बाद आवेश में आकर उसने छात्रा के घर पहुंचा और पाना से जो रिंच होता है उससे सिर पर वार कर दिया, जिसके बाद उसी पाना से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पाना को उसके मुंह में डालकर वहां से भाग गया। एसपी ने मामले खुलासा करने वाली टीम को 15,000 रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। चिकासी में 22 तारीख को एक 12 वर्षीय बालिका की हत्या कर दी गई थी। बॉडी उसके घर के अंदर से ही बरामद हुई थी और कुछ वेपन ऑफ ऑफेंस भी वहां से मिले थे। इस घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अथक प्रयास करते हुए लगभग 100 से 150 लोगों से दिन रात पूछताछ की गई, जिसके क्रम में आज इसमें जो आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आरोपी जो है उस मृतका का रिश्ते में जाना लगता है और इसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है। इसका एक मामूली सा विवाद हुआ था एक हेयरपिन को लेकर, जिसके बाद मृतका ने इस पर वहीं पास में पड़े एक रॉड से हमला करने की कोशिश की थी, जिसको इसने रोका और बगल में पड़े एक रिंच से फिर मृतका के सर पे वार किया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बॉडी को इसने घर में ही अंदर कमरे में डाल दिया था। पूछताछ में इसने ये सारी बातें कबूल ली और इस पे संदेह इस प्रकार से उत्पन्न हुआ क्योंकि इसके शरीर पर कुछ चोट के निशान मिले थे, जिसका कि ये सही उत्तर नहीं दे पा रहा था कि कैसे ये निशान आए। इस घटना को 48 घंटे के अंदर वर्कआउट करने के लिए जो हमारी टीमें लगी थी, मुख्यतः स्वॉट टीम, थाना चिकासी, थाना राट, थाना जरिया की टीम, इनको 15,000 रुपए का इनाम मेरे तरफ से दिया गया। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।